ये है अशोक विहार का एच ब्लॉक पार्क, जहां पर मनाया जा रहा है होली मिलन समारोह। रंग गुलाल, ढोल नगाड़े, लज्जतदार पकवान और मुंह मीठा करने के लिए पेस्ट्री, भाई हो भी क्यों ना, दिन एक और मौके तीन तीन। रंगों के त्योहार होली के साथ साथ पावर योगा की सालगिरह भी है, यानी कि पूरा एक साल हो गया है सुप्रभात क्लब को अपने परिवार के सदस्यों को पावर योगा करवाते हुए। सुप्रभात क्लब सभी को पावर योगा तो कराता ही आया है, साथ ही हर मौके पर खास कार्यक्रम भी आयोजित करता रहा है, जिससे इस परिवार के लोग एक सूत्र में बंधे रहे। इस क्लब के अध्यक्ष विपिन आहूजा ने जिस तरह से परिवार को प्रेम और सद्भाव की डोर से जोड़े रखा है, वो वाकई काबिले तारीफ है। विपिन जी ने जो है सब अशोक विहार को पूरे को जोड़ के रख रखा है, और ये इनके खास बात है, और ये जो है अशोक विहार में एक नाम बन गया है। जो मेन उद्देश्य है कि वर्तमान में जियो, कल बीत गया और कल आना कोई नहीं मालूम। और सुप्रभात क्यों आगे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं है, हम है, और उसके बाद एक ही बात, कोई छोटा बड़ा नहीं है यहाँ, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। कब तक मस्ती करने वाले हैं यहाँ पे सर? जब तक लोग चाहें, आप देखो ना, आप ये देखो, एक मैसेज के ऊपर इतने लोग आप देखते हो, क्योंकि यहाँ पर किसी तरीके का कोई राग द्वेष कोई नहीं, एक भावना, एक स्पिरिट है, आपस में कैसे एंजॉय करते हैं, ये मोमेंट कोई नहीं छोड़ना चाहता। आप देखो ना, सारा नजारा देखो आप। होली के मौके पर हर कोई मस्ती में इस तरह झूमा मानो होली का रंग इनके सिर चढ़कर बोल रहा हो। बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर जवान, हर किसी ने जमकर डांस किया। बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ। सबसे अच्छी बात तो यहाँ पर ये रही कि इस खास मौके पर भी यहाँ के लोग योगा करना नहीं भूले, और भूले भी क्यों, जिस तरह एक दिन भी खाने के बिना हम नहीं रह सकते, तो हमारा शरीर योग के बिना क्यों रहे। आज तक जो भी इस परिवार से जुड़ा बस इसी का होकर रह गया। या अभी हमने इसी साल ज्वाइन किया है सुप्रभात क्लब को, और जब से ज्वाइन किया है इट्स फैबुलस, बहुत ही अच्छा है ग्रुप, और यहाँ पे सब ऐसे जैसे हम फैमिली मेंबर्स हैं, वी आर लाइक फैमिली मेंबर्स हियर।
या हमारी यहाँ पे पहली होली है, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें, ये लग रहा है हमारी बहुत, हमारी पहले छोटी फैमिली थी, हमारी पूरी बड़ी फैमिली हो गई, एक फैमिली होली है, फैमिली होली है, वी आर ए बिग फैमिली ऑफ मैम। इसमें मजा ही अलग है, अलग ही एक मैसेज है, प्यार का, मोहब्बत का, इकट्ठे रहने का, एक परंपरा इकट्ठे निभाने का, जो आनंद है, जो मजा है, वो और कहीं है ही नहीं, ना आ सकता है। अरे मजा आ रहा है, देखो इनको विपिन आहूजा जी देख के रंग बिरंगे हो रहे हैं चारों तरफ अशोक विहार में, और खासकर एच ब्लॉक के पार्क में, तो होली होती है सर, सब आनंद है चारों तरफ से, खुशियां ही खुशियां हैं, खासकर अशोक विहार जैसी नगरी में तो, और आपके साथ तो आनंद ही आनंद है, सबको मस्ती मारनी चाहिए, खुल के हंसना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। बिल्कुल, आज हमने सभी के लिए, पहले तो सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली सबके लिए मंगल मिले हो और सब एक साथ जुड़ के आगे बढ़ते रहे। आज हमने होली के उपक्ष में सुबह एक सबके साथ गेट टुगेदर रखी है, सभी होली का सेलिब्रेशन चल रहा है, आप देख रहे हैं कि सब अच्छी तरीके से नाच गाना डांस, सब अपने झूम मस्ती में मस्त हैं। साथ में ही हमने थोड़ा सा इस होली मिलन समारोह में आप विधायक राजेश गुप्ता, सुरेश भारद्वाज और अशोक विहार के तमाम नामचीन लोग मौजूद थे। यहाँ महिलाओं ने फिल्मी गानों पर डांस करने के साथ साथ जमकर डांडिया भी खेला। चाहे सुप्रभात क्लब के अध्यक्ष विपिन आहूजा हो या फिर डॉक्टर जितेंद्र बाल्यान, सभी ने दिल्ली दर्पण की टीम को दिल से धन्यवाद दिया। मैं दर्पण टीवी का हमेशा धन्यवाद करता हूँ कि वो जिस तरीके से हर जगह पहुँच के हर एक्टिविटी को जो जिस तरीके से वो पेश करते हैं, वो निस्संदेह काबिले तारीफ है, और मैं इस चैनल को बहुत आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। ये मेरी बहुत सी शुभकामनाएं आपके पूरे राजेंद्र स्वामी जी को और आपके संपूर्ण टीम जो आपकी चैनल की है, मैं उनको बहुत बहुत इस होली के मौके पे शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डॉक्टर बाल्यान जिनका जन्मदिन भी था, उन्होंने तो सुप्रभात क्लब की सालगिरह को अपनी सालगिरह की तरह मनाया और पति पत्नी दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई। हमारा मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत दिल्ली दर्पण का और पूरी आपकी टीम का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी चीज को अगर मन में ठान लिया जाए तो उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बानगी पेश करता है सुप्रभात क्लब। नहीं तो क्या किसी ने सोचा था कि महज पार्क में सैर करते करते ये इतनी बड़ी संस्था का रूप ले लेगा, और अब तो बस आगे बढ़ते जाना है और वो भी बिना रुके। दिल्ली से दिल्ली दर्पण के लिए कैमरा पर्सन लोकेश कुमार के साथ खुशबू शर्मा की रिपोर्ट। आगे आगे।
मैं भागे लेकर आई।